दोस्तों, अगर आप अपने EMI के टीवी में, यानी जो आपके पास EMI का एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी है, और उसमें आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो आपके पेन ड्राइव में कोई भी वीडियोज़ और या फ़ोटो है, और उस फ़ोटो और वीडियोज़ को आप अपने टीवी में देखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके और आप उसमें अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी में, जो भी हमारा मतलब USB जैक पीछे दिया होता है, इस टीवी में USB जैक जो पीछे दिया हुआ है, उसमें हमें अपने पेन ड्राइव को पहले लगा देना है। तो मैंने पेन ड्राइव को अपने टीवी में लगा दिया है। अब पेन ड्राइव को टीवी में लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पैच वाल का। तो हमें सिंपल सा मतलब इस पैच वाल वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इस पे हमें ओके क्लिक कर देना है। अब ओके क्लिक करने के बाद हमें अपना पेन ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर USB वाले ऑप्शन को ओपन करना है। अब जैसे ही हम USB वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमारा पेन ड्राइव जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने पेन ड्राइव को ओपन करेंगे, और पेन ड्राइव को ओपन करेंगे तो हमारे पेन ड्राइव में यहाँ पे दो फोल्डर है, एक फ़ोटोज़ का और एक वीडियोज़ का। तो अगर हमें फ़ोटोज़ देखना होगा तो हम यहाँ से फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम फ़ोटोज़ देख लेंगे। और अगर हमें अपने पेन ड्राइव का वीडियो देखना है तो हम यहाँ पर पेन ड्राइव में वीडियोज़ भी बहुत ही आसानी से मतलब अपने टीवी में हम देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव में वीडियो है, वही वीडियो मैं यहाँ पर प्ले